रेनू और राजीव रीमा को अपनी जीवन में पाकर बहुत खुश हैं। उनके लिए रीमा के जीवन को लेकर कई सपने हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चला है कि रीमा दूसरे बच्चों से अलग व्यवहार कर रही है। वह उसके विकास को लेकर मैं चिंतित हैं। वह उसे बाल रोग विशेषज्ञ के पास लेकर गए और उन्हें संदेह है कि रीमा को ऑटिज्म हो सकता है। रेनू और राजीव डरे हुए और चिंतित हैं। वो पहली बार ऑटिज्म शब्द सुन रहे हैं। उनके दोस्तों और परिवार की तरफ से रेनू और राजीव के ऊपर सलाहों की एक तरह से बमबारी सी होने लगी है। वे मार्गदर्शन और चिकित्सा विकल्पों के लिए यहां वहां भटकते रहे। वे घबराए हुए थे, उलझन में थे और खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। वे नहीं जानते थे कि उन्हें कहां जाना है। एक दिन राजीव को नई दिशा और उनकी वेबसाइट के बारे में पता चला। नई दिशा की वेबसाइट की मदद से वो अपने जरूरत और जानकारी के अनुसार निर्णय लेने में सक्षम है। वह अब थेरेपिस्ट, डॉक्टर, विद्यालयों को अपने शहर के सुविधा के अनुसार खोजने में सक्षम है। इसके साथ पेरेंट्स के द्वारा किए गए रिव्यू को भी पढ़ सकते हैं। रेनू और राजीव नियमित रूप से नई दिशा के वर्कशॉप और सेमिनार अटेंड करने लगे हैं। अब वे अपनी इस जर्नी में और भी पेरेंट्स को जोड़ने में सक्षम हैं, उनके साथ टिप्स और अपना अनुभव साझा करने में शामिल हैं। वह अब दोस्त बन चुके हैं और एक मजबूत समुदाय का हिस्सा बन गए हैं। वे लोग अब सपोर्ट ग्रुप मीट्स और फैमिली इवेंट्स में शामिल होते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। रेनू और राजीव अब उन परिवारों की मदद कर रहे हैं जिनके बच्चों को भी अभी डायग्नोसिस हुआ है। रेनू और राजीव ने अब अपनी परिस्थितियों को अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया है और वे रिम्मी के साथ प्यार और धैर्य के साथ काम करते हैं। वे जानते हैं कि आगे का सफर आसान नहीं है, लेकिन परिवार और दोस्तों के सहयोग के कारण इस सफर में आने वाले प्रत्येक बाधाओं और मुश्किलों में वे काबू पा लेंगे और जो बेहतर होगा वो करेंगे।